हूँ, अभी बज रहा है, 5 बजने वाला है। और आज हम और राघव जो है सैर पर निकले हुए हैं, सैर सपाटे करने के लिए। राघव की साइकिल ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, इसको लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं तो ये राइट टर्न हो रही है, राइट टर्न करते हैं तो लेफ़्ट टर्न हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसकी साइकिल में। तो सिद्धि का पेपर कल है, कल लास्ट पेपर है सिद्धि का। सिद्धि का पेपर हमने प्रिपेयर कराया, सिद्धि घर पर ही है। राघव सो के उठे थे तो राघव थोड़ा रो रहे थे, तो इनको लेकर के हम वॉक पर निकले हैं। धूप अभी हो रही है, अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। ये साइकिल तो काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है। बेचू क्या करें, घर पर चलें क्या? ओके गाइस, हम राघव को ना थोड़ा सा टहलाते हैं, फिर आपसे कुछ देर में मिलते हैं, बिकॉज साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक से टर्न नहीं हो रही है। सो दोस्तों, ये देखिए किस तरह से राघव की साइकिल जो है अपने आप लेफ़्ट और राइट भागी जा रही है, कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है इसमें। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा आगे तक जा कर के वॉक करके आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे नौसिखिए की तरीके हम चला रहे हैं। बच्चे को जो देख रहा होगा वो ये कह रहा होगा कि बच्चे को वॉक करा रही है बट बच्चे की साइकिल नहीं चला पा रही है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को बोलने देते हैं, बिकॉज़ लोगों को पता नहीं है ना कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो हम चलते हैं, निकल पड़े हैं, देखते हैं ऐसी कंडीशन की साइकिल को लेकर हम कितनी देर तक वॉक कर पाते हैं। घर से काफ़ी दूर भी निकल आए हैं। सो गाइस, ऐसे टेढ़े मेढ़े जिगजैग चलते हुए हम और राघव पूरा आ रहे हैं वॉक करके। हम लोग को जो भी देख रहा था वो ये सोच रहा था कि जो है कैसे ये लोग चला रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। तो फिर अब हम लोग किसी तरह घर पहुंचने वाले हैं। कभी राघव लेफ़्ट जा रहा है, कभी राघव वो राइट चला जा रहा है, अपने आप ये सेल्फ ड्राइविंग हो रही है। ओके गाइस, अब मिलते हैं घर पहुँच कर, बिकॉज दौड़ दौड़ के थक गए। सो राघव पूरा इंजॉय करके आ गए अपनी टेढ़ी मेढ़ी साइकिल के साथ। अब हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं। सो फाइनली हम लोग वापस आ गए, और अब जो है हम बनाने जा रहे हैं घर पर केसर कुल्फ़ी। ये मैंने जो है केसर कुल्फ़ी गिट्स का ये लिया हुआ था, ऐसे उल्टा दिख रहा है, एक सेकंड दिखाते हैं। ये मैंने लिया हुआ था केसर कुल्फ़ी मार्केट से। सो इसको चल रहे हैं बनाते हैं। सो धूप बहुत तेज़ थी, ऊपर से पता नहीं कैसी हवा चल रही है, एकदम धूल वाली, हालत ख़राब हो गई। और ऊपर से राघव की टूटी फूटी साइकिल आज हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। उसको हम लेफ़्ट टर्न कर रहे थे तो वो राइट भाग रही, राइट टर्न करे तो लेफ़्ट भागे, समझ में नहीं आ रहा था। साथ में इसके ये मिला हुआ है स्कूप, इसमें फ्रीज करने के लिए, जमाने के लिए। सो हम तो स्टार्ट करते हैं बनाना। गैस पे मैंने रखा है 2 बड़े साइज़ कॉफ़ी मग जो होता है उससे, मिल्क रखा है मैंने बॉयल होने के लिए, और उसमें से थोड़ा सा 50 ml के बराबर मैंने मिल्क निकाल लिया है। उसमें हमको अपना ये जो इसका पेस्ट है ना, इसको ऐड करना है। सो इस पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, हम इंस्ट्रक्शन को देख करके बना रहे हैं। इसको बहुत पहले बनाया था, उसके बाद अब जो जाके हम बना रहे हैं, मतलब कि 2.5 cup जितना मैंने दूध लिया हुआ है उसमें इस पूरे टोटल जितना ये पैकेट में है, ये पैकेट है पूरा 100 ग्राम का ये पैकेट है। और ये जो टोटल पूरा जितना है ना उसको मिक्स कर देना है।
इधर दूध हमारा जो बचा हुआ दूध था वो बॉईल हो रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है केसर की, पिस्ता है, केसर है। मार्केट की कुल्फी से तो बेटर है कि हम घर पे कुल्फी बना के खा लें। सो इसको हम स्पून से ऐसे 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 फेंट ले रहे हैं जिससे बिल्कुल भी प्लम ना रह जाए इसमें। जो है वो बॉयल हो चुका है, ये भी हमारा जो है अच्छे से फिट गया है, कोई भी इससे प्लम नहीं रह गया, एकदम बढ़िया। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें करना है ऐड, एक सेकंड। हाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि अब इसको जो है डाल देना है इसमें जो बॉयल वाला हमारा मिल्क है, और इसको भी हम अच्छे से चलाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है हमको, और इसको मिनिमम 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर ऐसे ही हिलाते हुए पकाना है एक तरह से। और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो जो इसका ये मिला हुआ है उसको डाल के हमें इसको फ्रीज़र में रखना है। आप लोग भी घर पे गर्मियों में ज़रूर इसको ट्राई करिए, ये होममेड कुल्फ़ी मार्केट की कुल्फ़ी से बेटर है। देखिए ये बॉईल हो गया है, अब हम जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब तक हमारा ना ये कुल्फ़ी का जो पूरा मिक्सचर है, जो पूरा मैंने बना करके रेडी किया है, वो जब तक ठंडा होता है तब तक हम अपने फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, बिकॉज मेरे फ़ोन में ओनली 3% बैटरी बची हुई है। सिद्धि ना आज काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सिद्धि का जो है कल लास्ट पेपर है, और सिद्धि का ये कहना है कि इसके बाद हमको मस्ती करनी है। सो गाइस मेरा फ़ोन जो है पूरी तरह से बैटरी इसकी ड्रेन हो चुकी है। मैंने जो है ना अपनी जो कुल्फ़ी बनाई थी उसको जो है रख दिया है फ्रीज़र में, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसको मैंने रख दिया है, और जैसा कि पैकेट पे लिखा था कि इसको जो है 5 से 6 घंटे रखना है, पर अभी मैंने शाम को बनाया है तो इसको ओवरनाइट रहने देते हैं, और फिर मॉर्निंग में देखते हैं कि आखिर कैसा बना है। और मेरे पास थोड़ा सा और बचा रह गया था तो उसको मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि वो दो ही था तो उसने कर दिया, और इसको कवर कर देंगे, और इसको भी हम ऐसे पैक करके रख देंगे इसको भी। सो मैंने इन दोनों को रख दिया है, इन दोनों को रख दिया है, देखते हैं जो मैंने ये 4 रखे हैं इनमें जो है कौन सा सबसे परफेक्ट बनता है। सो गाइस इसको हम लोग ओपन करेंगे टुमारो मॉर्निंग में। यहाँ साफ सफाई चल रही है। अरे वैष्णवी तुम क्या कर रही हो? मैं मम्मा की हेल्प कर रही। मैंने अपना डिनर किया, मैं अपनी। अरे अभी हेल्प करने जरूरत नहीं, हालत खराब हो जाएंगे अभी सब। मत राघव को भी हेल्प करनी है। राघव सिद्धि हटो भाई। राघव सिद्धि माय
going to sleep. Raghu wants water. सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज वुमेन्स डे पर सिद्धि जो है मम्मा की हेल्प कर रही थी, इसलिए अपना डिनर की और अपनी प्लेट जो है खुद साफ करके रख रही है ना राघव। तो हम लोग का डिनर हो चुका है और बज गए हैं 9:30 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग पे। आपको अगर ये हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, साथ में अपने जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। ओके गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।